नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड दस महाविद्या गुरु। स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस एपिसोड में, जो कि है जनवरी 2024 के राशिफल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि की। फ्रेंड्स, जब आपने इस राशिफल को सुनना है तो आपने अपनी जो है लग्न पत्रिका को सामने रखना है, ठीक है। ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो राशिफल है, ये लग्न के आधार पर रहेगा, ना कि चंद्र राशि के आधार पर। कुछ विद्वान जो है वो चंद्र राशि को मान्यता देते हैं, उसके आधार पर जो है राशिफल का प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ विद्वान लोग जो हैं वो लग्न के आधार पर जो है प्रेडिक्शन देते हैं। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल के अंदर कि लग्न की जो प्रेडिक्शन है वो मोर एक्यूरेट रहती है, प्रिसाइज रहती है, इसलिए हम लग्न के हिसाब से ही प्रेडिक्शन करते हैं। साढ़े साथी जो है सब अमूमन जो है चंद्र राशि के हिसाब से ही प्रेडिक्ट की जाती है, ठीक है। बट जो और क्लाइंट्स की जो प्रेडिक्शन है, जनरल जो प्रेडिक्शन है राशिफल की, वो हम लग्न के हिसाब से ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो तुला लग्न है, अगर आपके लग्न के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका है तुला लग्न। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो आपके जो स्वास्थ्य का जो मालिक हुआ वो है शुक्र। तुला लग्न का जो स्वास्थ्य का मालिक होता है वो शुक्र होता है। वो सेकंड हाउस में आपके अभी गोचर में बैठा हुआ है। 19 तारीख के बाद वो जो है थर्ड हाउस में चला जाएगा। अभी जो है आप गले की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। आपके गले में कुछ समस्या आ सकती है और अभी आप अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे, ठीक है। तो चिंता आपने नहीं करनी है और कोई क्रोनिक डिजीज़ का कोई योग ऐसा नहीं बना हुआ है। अभी जब 19 तारीख के बाद शुक्र जो थर्ड हाउस में गोचर कर जाएगा तो आपकी स्थिति जो है सुधरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड हाउस यानी हाउस ऑफ मनी, लिक्विड मनी क्या है, आपका धन कुटुंब का जो स्थान है उसकी क्या स्थिति रहेगी। आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड है मंगल, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है उत्तम स्थिति के अंदर, तो धन की स्थिति थोड़ा सा जो है अनबैलेंस रहेगी। मतलब कभी बार कुछ कुछ पैसा आ जाएगा, कई बार पैसा रुक जाएगा आपके पास आने से। परिवार में जो है आपके तनाव हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन से आप झगड़ा मत करें, उनसे शांति से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। दूसरा, अगर आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास बनी हुई है इस महीने के लिए, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। आप अपना मकान के अंदर, वाहन के अंदर, प्लॉट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में अच्छे पैसा बनने के चांसेस आपके बनेंगे। अगर आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन का भी बिजनेस है तो आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न आपको मिलने वाला है इस मंथ। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस यानी हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, करेज। ठीक है, थर्ड हाउस में मंगल और बुध बैठे हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जो है अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेने हैं, यानी ऐसा रिस्क मत लेना कि बाद में आप उसके लिए पछताएं। दूसरी बात, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, आप लड़ झगड़ सकते हैं लोगों के साथ, तो उसमें जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने लड़ना नहीं है किसी बाहर के व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी ना उलझे एक महीने के लिए, जब तक बुध जो है थर्ड हाउस में आपके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आपने प्रिकॉशंस लेनी है। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस यानी हाउस ऑफ मदर, मेंटल पीस, आपका व्हीकल का हाउस जो है, मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी का। देखिए, आपका फोर्थ का जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि आपका उत्तम स्थिति में फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण साइन में। तो अभी एक साल शनि वहाँ पे और बैठे रहेंगे, तो भाई एक साल के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, वाहन खरीद भी सकते हैं और मुनाफे में उसको बेच भी सकते हैं। जो लोग सेकंड हैंड कार्स का बिजनेस करना चाहते हैं या स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है एक साल के लिए, जब तक शनि पंचम स्थान में आपके बैठे हुए हैं। दूसरा, आप प्लॉट लेकर के उसमें कॉलोनी बना करके यानी घर बना करके भी बेच सकते हैं, इसमें आपको बहुत मुनाफा होगा इस टाइम के अंदर। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप शनि का नीलम भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको लगा लो 10 गुना फायदा होने लग जाएगा अपने काम के अंदर। आपको 10 times जो है, more than 10 times जो है आपको बेनिफिट होने लग जाएगा, आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी शनि की स्थिति क्या है आपकी जन्मपत्री में, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके ये जान सकते हैं कि आप नीलम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस यानी हाउस ऑफ लव, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ स्टडीज। देखिए, फिफ्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है एज लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, राजयोग बना के बैठा है। लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस सिटिंग इन दी फिफ्थ हाउस, तो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या है, उनका दिमाग स्मार्टली चलेगा, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आने के चांस बनेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के योग बहुत प्रबल बने हुए हैं आपके, अभी मैक्सिमम सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में भी सूर्य बैठा हुआ है एज लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। नेक्स्ट मंथ वो आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, तो फिफ्थ का 11th से कनेक्शन हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम अभी है, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम अभी है तो उसको दे दीजिए। नेक्स्ट मंथ आपकी सिलेक्शन होने वाली है, या आपकी जो है रिजल्ट जो है आपके फेवर में बहुत बढ़िया आने वाला है, तो स्टडी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो लोग लव अफेयर में हैं उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। आपकी मदर भी आपके लवर को एक्सेप्ट करेगी, अगर वो पहले नहीं कर रही थी अब वो करेंगी। आप उसके साथ शादी के अंदर भी जा सकते हैं, यानी आप शादी भी अपने लवर से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की जन्मपत्री में शनि उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं वो नीलम धारण कर सकते हैं, इससे उनको स्टडी के अंदर, बुद्धि के अंदर और लव अफेयर के अंदर काफ़ी कामयाबी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस यानी हाउस ऑफ डिजीज, कोर्ट केसेस एंड फाइट्स, पुलिस केसेस, ठीक है जी। तो एंड हिडन एनिमीज, आपके शत्रुओं का घर है, वहाँ पर जो है नीच का राहु बैठा हुआ है अक्टूबर से। देखिए सिक्स हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपके शत्रु गुप्त रहेंगे मगर आपसे डरते रहेंगे, आपके सामने उनके टिकने की बिसात नहीं रहेगी। तो अभी आप किसी कोर्ट केस अगर आपने कोई लगा रखा है तो आप उसमें जीत जाओगे। अभी एक साल के लिए बहुत बढ़िया समय आपका चला हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई भ्रम की बीमारी हो सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, आपको सीक्रेट डिजीज हो सकती है कोई ना कोई, जो आपके डॉक्टर के सामने कभी प्रकट नहीं हो पाएगी। यानी आप जब उसकी एनालिसिस करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें बीमारी नहीं आएगी, पर आपकी बॉडी में कोई ना कोई इशू बना रहेगा, ये आपका राहु की वजह से होगा। तो आप राहु की शांति करा सकते हैं उसकी शांति के लिए। अब हम बात करते हैं आपके सेवंथ हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस की। सेवंथ का जो लॉर्ड है आपका वो है मंगल, बड़ी स्थिति में बैठा हुआ है एक महीने के लिए थर्ड हाउस में। आप अपनी जो है शादीशुदा जिंदगी में भाग्यशाली रहेंगे, आपकी पत्नी से आपका संबंध उत्तम रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। थोड़ी सी डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है अभी। तो जिनके जन्मपत्री के अंदर मंगल उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली इस मंथ आप शादी के लिए जा सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी साथ तो उसको कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा जो है रियल एस्टेट में लगाते हैं, ठीक है, माइनिंग में लगाते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन में लगाते हैं, फायर फाइटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर लगाते हैं, तो आपको बहुत मुनाफा वो दे सकता है इस मंथ भी और अगले मंथ भी, ठीक है, और उसके अगले मंथ भी, यानी तीन महीने के लिए बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। थोड़ी सी इशू क्या है कि सेवंथ हाउस में गुरु बैठे हुए हैं मई तक, लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी। तो इस टाइम में आपने दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो अपने पार्टनर के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स आपकी होती है तो आपने चुप कर जाना है, पीछे हटना है, बाद में जब वो खुश हो तब उसको बात को समझाना है कि हमने फाइट नहीं करनी है, इशू को रियल नहीं है, ये जो इशूज है ये वेग इशू है। दूसरा, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपने लोन नहीं लेना है मई तक, लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दूसरा, अपने पार्टनर के ऊपर भी पैसा नहीं लगाना है आपने, वो आपको चीट कर जाएगा। मई के बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक है, तब स्थिति कुछ और बनेगी जब गुरु जो है अष्टम स्थान में गोचर कर जाएगा। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की यानी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है, एंड सडन गेज। अब आपका एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो आपकी बीमारी, आपका स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा, आपका कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी शेयर्स के अंदर, या कुछ लोग सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए आपको, उसमें आपको बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है। 19 तारीख के बाद शुक्र जब गोचर कर जाएगा थर्ड हाउस के अंदर, फिर थोड़ी थोड़ी आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको सडन गेंस भी होंगे। अभी दो तीन दिन के लिए आपने जो है अपनी लिक्विडिटी को बचा के रखना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा गले और दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है, उसके लिए आप शुक्र का जो उपाय है छोटा सा कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने 2 किलो आलू लेने हैं और पानी लेकर के उसमें हल्दी डाल देनी है, उसमें वो आलू डाल के उसको उबाल देना है, बाद में वो आलू निकाल के उनको तोड़ मरोड़ लेना है अच्छे से और गाय को वो खिला देने हैं, इससे आपका शुक्र जो है शांत हो जाएगा, आपकी जो इशूज, छोटी मोटी जो इशूज क्रिएट हुई हैं वो शांत होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपकी नाइन्थ हाउस यानी हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, हाउस ऑफ रिलीजन, हाउस ऑफ लक एंड हाउस ऑफ फादर सपोर्ट। तो आपका नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो है बुध, वो बैठा हुआ वेरी गुड पोजिशन के अंदर थर्ड हाउस के अंदर, और थर्ड हाउस में से वो सेवंथ आस्पेक्ट डाले हुए हैं अपने घर के ऊपर, तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा हर फील्ड के अंदर।
आप अगर मीडिया इंडस्ट्री में हैं या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं या फिर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक महीने तक बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, अगर पैसे हैं तो लगा दीजिए उसके अंदर, मुनाफा बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी बहुत हाई रहेगी आपका, इस वजह से आपकी इन स्किल्स की वजह से आपकी फेम बढ़ेगी लोगों के बीच में। देखिए आप मतलब कोई एंकर हैं, ठीक है, या कंसल्टेंट हैं या पब्लिक डीलर हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है इस एक मंथ के अंदर, ठीक है, तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, अगर आप MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका हो जाएगा, तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 10th हाउस यानी हाउस ऑफ फादर, हाउस ऑफ जॉब, हाउस ऑफ स्टेटस। आपका जो 10th लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा इट इज़ वेरी अनस्टेबल प्लेनेट, तो इस हाउस में जो है आपके मैटर्स है वो अप डाउन होते रहते हैं। अभी चंद्रमा जो है मीन राशि में गोचर कर रहा है 6th हाउस में, तो ओवरऑल अभी जॉब पे आपकी जो है सिचुएशन बड़ी टेंस बनी हुई है, मगर 2 दिन के अंदर के बाद जब चंद्रमा जो है मूव कर जाएगा मेष राशि में, तब वो आपकी सिचुएशन है जो स्टेबल हो जाएगी। अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा उत्तम स्थिति में विराजमान है तो आप उसका मोती धारण कर सकते हैं। साउथ सी का जो पर्ल आता है उसको आप 6 कैरेट का डाल लीजिए राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, ठीक है, उससे आपको जॉब में जो अनस्टेबिलिटी आपकी रहती है करियर को लेकर के वो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। दूसरा, आप चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव जी को दूध और चावल अर्पण कर सकते हैं 100 बार के दिन, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता है कि आपके चंद्रमा की स्थिति कैसी है जन्मपत्री के अंदर, तो आप अपनी जन्मपत्री को यानी लग्न कुंडली का आप हमसे विश्लेषण यानी एनालिसिस करवा सकते हैं, उसके लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप उनका स्टोन डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस यानी हाउस ऑफ गेंस, हाउस ऑफ नेटवर्किंग, हाउस ऑफ फ्रेंड्स एंड हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। सूर्य आपका जो है लॉर्ड बनता है 11th हाउस का, 4th हाउस में बैठा हुआ है। अगर आपके पास कोई इनकम अभी आई हुई है कहीं से या आने वाली है, उसको आप एकदम से या तो गाड़ी खरीद लीजिए या उसको प्लॉट में लगा दीजिए या उसको मकान में लगा दीजिए, यानी प्रॉपर्टी बनाइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपकी, मकान वाहन, ठीक है, और ये प्लॉट्स जो है उसमें आप लगा दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट ये देके जाएगा। नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी के बाद उसका जो रिटर्न आपको आने वाला है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, आप इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स से लेकर के जो पैसा अगर आप उसमें लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपको मुनाफा देगा, अपने नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की यानी हाउस ऑफ मेंटल पीस, हाउस ऑफ प्राइवेसी, हाउस ऑफ बैड प्लेजर्स, हाउस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। देखिए वहाँ पर नीच का केतु बैठा है, तो आप अभी जो है नींद में समस्या को महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस करेंगे। अगर आपको बाहरी कोई व्यक्ति मिलता है अनजान तो वो आपका नुकसान कर देगा, तो आपने बहुत सावधानी से उसके साथ बर्ताव करना है, मेल जोल जो है सोच समझ कर ही उसके साथ बढ़ाना है। किसी बाहर के व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट्स ना करें, अगर आपकी बुआ है, आपके फादर की जो सिस्टर्स हैं या उनके छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ आपने झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। 1 साल के लिए समय बहुत ख़राब बना हुआ है आपका, माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, आँख में इशू आ सकती है आपकी, आइज़ में यानी लेफ्ट आइज़ के अंदर आपकी इशू आ सकती है, ठीक है, अगर हम प्रेसाइजली देखें तो लेफ्ट आई में आपकी इशू आ सकती है। तो अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप केतु की शांति करवा लीजिए, इसमें और उपाय कुछ बनता नहीं है, केतु की अगर आप शांति करवा लेंगे तो आपकी स्थिति उत्तम हो जाएगी और आप जो है अच्छा फील करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा विश्लेषण तुला राशि के लिए 2024 जनवरी मंथ के लिए। अगर आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसी साथ मैं इस एपिसोड को अब जो समाप्त करता हूँ, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक।